हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक बैंक के ऊपर। कोटक बैंक में आज एक अच्छा आपको ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा आज वीक था, फिर भी आपको कोटक बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो इसलिए हम लोग इस स्टॉक को देखने वाले हैं, जो हम लोगों का इस स्टॉक के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान होने वाला है, इन डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको लेवल्स भी मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, और साथ ही साथ आपको लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा जो हम लोग इस स्टॉक को जो है कैसे ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए अब जो है एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आया था 2000 के ऊपर कोटक बैंक में, उसके बाद स्टॉक में जो है आपको एक रिट्रेसमेंट मूव आया। कभी भी आपको एक अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड के बाद एक रिट्रेसमेंट मूव भी होता है। सेम चीज आपको यहाँ पे कोटक बैंक के साथ भी देखने को मिल रहा है। एक आपको अप ट्रेंड मूव हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, और लास्ट के कई दिनों से आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप ट्रेंड में जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाए। 2100 के लेवल से आपको यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग आया, लेकिन नीचे में जो है आपको नीचे का लो जो है अभी भी इस स्टॉक ने लास्ट टाइम भी डिफेंड कर लिया, और आज इस स्टॉक में 2100 के लेवल को आपको क्रॉस कर दिया, और एक अच्छा आपको बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। आपको यहाँ पे वीक जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, फुल बुलिश मारुबोजू कैंडल है। तो स्ट्रेंथ कैंडल का जो है आपको कैंडल साइज ही शो कर रहा है, जो कितना अच्छा आपको यहाँ पे बुलिश मोमेंटम एक देखने को मिल सकता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल पे स्टॉक इससे पहले भी ब्रेकआउट दिया था, और इस लेवल में जो है यहाँ पे स्टॉक पहले भी स्ट्रगल किया था। तो सेम लेवल पे जो है आज फिर से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो कहीं ना कहीं एक जो है अच्छा आपको रिवर्सल साइन ही है, और साथ ही साथ जो है एक आपको डब्ल्यू पैटर्न बना के स्टॉक जो है ऊपर की ओर निकला है। तो हम लोग जो है कंटिन्यू आपको इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं, तो एक अच्छा जो है हम लोगों का फेवरेट पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अब जो है यहाँ पे जो लोग भी डेली चार्ट में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए सिंपल है, स्टॉप लॉस जो है आप इस रिसेंट स्विंग लो के नीचे जो है 2015 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप जो है 2000 के राउंड नंबर लेवल को भी अपना स्टॉप लॉस लेके जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट आपका उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके स्टॉप लॉस का डबल जो है आपका टारगेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको डेली चार्ट में ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, तो इसलिए सभी लोग नहीं प्रीफर करते हैं डेली चार्ट में ट्रेड करना। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इस स्टॉक में एक अच्छा यहाँ आपको रिवर्सल साइन दिख रहा है। कंटिन्यू देखिए, यहाँ पे भी इस स्विंग लो को यहाँ पे डिफेंड किया, और आज जो है स्टॉक खुला भी ऊपर ही था, गैप अप खुला था, और गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यू जो है स्टॉक में आपको ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा का यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो इसलिए जो है आपको 2000 के लेवल के 2100 के लेवल के ऊपर स्टॉक जो है सस्टेन कर रहा है, तो कल यहाँ पे अगर आपको एक बुलिश साइन दिखता है या बुलिश कैंडल दिखता है तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको होगा 2100 के नीचे, अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर जो है आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा मौका बन सकता है, अगर स्टॉक फ्लैट खुलता है और आपको इस लेवल के ऊपर या इसी लेवल के पास अगर आपको एक बुलिश कैंडल यहाँ पे शो होता है मिलता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर स्टॉक आपको यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 25-30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो है आपका उसी के अकॉर्डिंग 60-70 पॉइंट का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉक आपको काफी अच्छा एक हॉल्ट किया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, आपको एक फ्लो में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप स्टॉक ऊपर जरूर खुला, यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, और फिर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। तो एक बार फिर से अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको एक रेंज बना रहा था, लास्ट कैंडल में उस रेंज को ब्रेक किया है, तो कल अगर आपको इसी कैंडल के पास फिर से मौका मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वेट कर लेना, थोड़ा सा पुल बैक आने दीजिएगा। 2130-2132 के लेवल के अराउंड अगर पुल बैक आ जाता है और फिर अगर उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुलने के साथ ही आपको मौका मिलता है तो यहाँ पे आप जरूर जो है ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2100 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है तो वहां पे आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। टारगेट जो है आपके इनिशियल स्टॉप लॉस का डबल होगा, तो इसलिए जो है आप लोग इस स्टॉक पे भी अपना नजर बना के रख सकते हैं, इसको भी अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं,
और यहाँ पे भी जो है एक अच्छा एंट्री आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होंगे, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।